सभी का आइडियल एकेडमी के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। मैं आज आपके लिए BHU AG सेट 1 2018 में मैथ्स के कुछ क्वेश्चन डिस्कस करने वाला हूं और ये बहुत इंटरेक्टिव सेशन होगा। तो आइए हमारे पहले क्वेश्चन के ऊपर ध्यान देते हैं। लेट fx इज इक्वल्स टू ax अपॉन x + 1 वेयर x इज नॉट इक्वल टू -1 फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ a f ऑफ fx इज x। ऑप्शन आर गिवन। हमारे पास जो कंडीशन है वो है f of x would be x। तो इसको अगर हम सॉल्व करेंगे f ax upon इसके डोमेन में चला जाएगा ये, क्योंकि यहाँ पर डोमेन में आपको fx रखना है और fx is equal to something दिया हो, इसको सॉल्व करेंगे तो x हो जाएगा। अब हमारे पास x के जगह पे something डोमेन आ गया, तो इसको उठा के इसके डोमेन में पुट करना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा आपका a ax upon x plus 1 upon ax upon x plus 1 plus 1 is equals to x। इसको और फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा a square x upon x plus 1 upon ax plus x plus 1 upon x plus 1। तो इस पे यहाँ देखेंगे हम लोग, अभी यहाँ पर है a square x upon x plus 1 और a plus 1 x plus 1 upon x plus 1 is equals to x। इसको सॉल्व करेंगे तो a square x upon a plus x a plus 1 bracket में x plus 1 would be equals to 1 sorry x। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, इस पार्ट को हमको x के बराबर करना है, ठीक है। तो x के बराबर करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर ये पार्ट अगर हम इसको हटा देते हैं तो हमारा काम बन जाएगा, मतलब ये पार्ट अगर हम जीरो कर दें तो हमारा काम बन जाएगा, ठीक है। तो a plus x x is equal to 0 पुट करेंगे तो a plus 1 is equal to 0 और a is equal to -1। इसको वेरीफाई भी आप कर सकते हैं, माइनस वन उठा करके यहाँ पुट कर दिए तो माइनस वन प्लस वन जीरो हो गया, ये टर्म पूरा खत्म हो गया, यहाँ पे वन बचा, माइनस वन यहाँ पुट किया, स्क्वायर किया, वन आ गया, वन इंटू एक्स दैट इज एक्स विच इज सेटिस्फाइड। ये हमारे पास दूसरा क्वेश्चन आ चुका है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। लेट f be a real value function such that f of x plus 2 f of 2002 upon x is equals to 3 of 3x for all x greater than 0, then find the value of f of 1001 which is given as option as -998 -997 -996 -995। आइए इसको स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हम लोग x की पहले फंक्शन देख लेते हैं, सॉरी इक्वेशन ऑफ वो इक्वेशन देख लेते हैं। तो एफ एक्स प्लस ट्वाइस ऑफ एफ ऑफ समथिंग ऑफ x इज इक्वल्स टू, ये हमारे पास है। अगर हम यहाँ पे x इज इक्वल्स टू 2 पुट करें तो ये हो जाएगा हमारा एफ ऑफ 2 प्लस 2 एफ ऑफ 1001 इज इक्वल्स टू 6 और इसको हम 1 मान सकते हैं, दिस इज 1। और x इज इक्वल्स अगर हम यहाँ पे x इज इक्वल्स टू 1001 पुट करते हैं तो ये हो जाएगा f ऑफ 1001, यही मेन इक्वेशन है पुट कर रहा हूँ, ये हमारा मेन इक्वेशन है, इसी में मैं पुट कर रहा हूँ, ये मेन इक्वेशन लेट से a हो जाना है, इस a में मैं पुट कर रहा हूँ, आपको कंफ्यूज नहीं होइएगा, ये a 1 ये सब अपने एजम्पशन पे होते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो ये हो गया और यहाँ पर 2 f of 2 is equals to इसमें आप हम एक हो जाएगा आपका 3003। इसको सॉल्व करेंगे अभी और सॉल्व करेंगे नहीं सॉल्व नहीं करेंगे ये 2 हो गया हमारा इक्वेशन। अब यहाँ पे इसमें 2 का मल्टीप्लाई कर देते हैं तो मल्टीप्लाइंग 2 बाई t
equation 2, that is equation 1 by 2, तो जब इसमें 2 का मल्टीप्लाई करिएगा तो क्या मिलेगा, 2f(2) + 2 4 f(1001) यहाँ पे 2 का करिएगा तो ये 12 हो जाएगा। अब क्या करिए, इसको इसमें से माइनस कर दीजिए, ठीक है, आप जो नीचे डेढ़ सेकंड है इसमें माइनस कर दीजिए, तो यहाँ पर माइनस करिएगा तो 2f(2) + f(1001) = 3003, माइनस करेंगे तो ये खत्म, दिस इज कैंसिल आउट, एंड आफ्टर दैट यहाँ पे हमें 3f(1001) इक्वल्स, इसको आप करिए ये हो जाएगा 1992, ठीक। अब इसको करिएगा, माइनस में आएगा एक्चुअली, तो f(1001) = -2991/3, इसको सॉल्व करेंगे तो ये 9 and 7 ये मैच कर रहा है सेकंड वन, तो सेकंड इज करेक्ट। और ये तीसरा क्वेश्चन है, इसमें दिया हुआ है इफ cot inverse अंडर रूट cos alpha माइनस cot inverse अंडर रूट cos alpha इक्वल्स टू x, देन sin ऑफ x इज इक्वल्स टू, ऑप्शन आर गिवन, तो आइए इसको सॉल्व करते हैं एट रैंडम, हमें पूछ रहा है sin ऑफ x, तो x की तो वैल्यू दी हुई है, ये इतना चीज है, तो हम sin ऑफ x से प्रोसीड करते हैं, तो ये हो गया sin ऑफ cot inverse cos alpha minus tan inverse under root of cos of alpha। मैं सिस्टमेटिक में बता रहा हूँ, थोड़ा क्वेश्चन बड़ा हो सकता है, घबराने की बात नहीं है, कंपटीशन में जब उसको प्रैक्टिस कर लेंगे तो एक मिनट में ये क्वेश्चन को कर सकते हैं, इसको देखिए कैसे किया जा रहा है। अभी इसको हम यहाँ पे cot tan inverse है, cot inverse है, इसको tan में बदल देते हैं, तो sin tan inverse 1/√cot(a) cos of something ये हो गया ऐसे। अब ये साइन सॉरी tan inverse x माइनस tan inverse y है, इसका बेसिक फॉर्मूला सबको पता है, इसका बेसिक फॉर्मूला होता है tan inverse x माइनस y अपॉन 1 + xy, उसी पे हम इसको ढूंढेंगे, तो tan inverse 1/, आप इसको करिएगा तो ये हो जाएगा cos of x, में थोड़ा डायरेक्ट लिख रहा हूँ, इतना मल्टीप्लाई करेंगे आप तो 2, इसके बाद अंडर रूट ऑफ cos of alpha this much। अब देखिए यहाँ पे ये tan में है, tan inverse में है, और हमारा जो बाहर का फैक्टर है वो sin में है, अगर ये sin में होता तो हम कन्वर्ट कर सकते थे, इसका एक फॉर्मूला होता है, अगर आप फॉर्मूले को याद कर दे तो अच्छी बात है, नहीं याद करते तो एक मेथड बताता हूँ कैसे आप कर सकते हैं, एक ट्राइंगल बनाइए, आप पहले ऐसे ट्राइंगल बना लिया चलिए राइट एंगल ट्राइंगल, उसके बाद ये tan inverse है तो इसको इसमें कैसे पुट करेंगे, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो 1 माइनस cos ऑफ अल्फा दैट दिस इज 2 अंडर रूट cos ऑफ अल्फा, हाइपोटेनस हम निकालेंगे, पर क्या रहना है यहां से हाइपोटेनस आ जाएगा, फिर हम साइन में कन्वर्ट कर देंगे इसको साइन इनवर्स, तो हाइपोटेनस इसको निकालेंगे, हाइपोटेनस निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, हाइपोटेनस हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 1 माइनस cos ऑफ अल्फा स्क्वायर प्लस 2 ऑफ अंडर रूट cos ऑफ अल्फा होल स्क्वायर, इसको आप सॉल्व करेंगे तो यहां पर 4 cos ऑफ अल्फा आएगा, हां, और इसको सॉल्व करेंगे तो आपको प्लस कैसे हो जाएगा 1 प्लस cos ऑफ अल्फा होल स्क्वायर, तो ये
पॉजिटिव टर्म हम इसका लेंगे तो 1 प्लस cos ऑफ अल्फा आ जाएगा। तो हाइपोटेन्यूज की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है, ये हमारे पास हाइपोटेन्यूज की वैल्यू है। अब हम sin इनवर्स के टर्म्स में कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा दिस मच अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो यहां पर पुट करेंगे तो sin ऑफ x की जो हमारी वैल्यू हो जाएगी ये हो जाएगी sin and sin inverse 1 minus cos of alpha upon 1 plus cos of alpha। इसको आप ऐसे कर सकते हैं। अब इसको by rule यहाँ पे theta बचना चाहिए तो theta हमारा ये है, इसको solve करिएगा तो 1 minus cos of alpha और 1 plus cos of alpha। option कुछ है क्या ऐसा? option ऐसा नहीं है, इसको और फर्दर तोड़ेंगे, इसको हम लोग और क्या लिख सकते हैं 2 sin inverse alpha upon 2 and इसको लिख सकते हैं 2 cos square alpha upon 2, that means tan square alpha upon 2। हमें ये पहला सही है, करेक्ट है, फर्स्ट वन। हमारे पास चौथा क्वेश्चन आ चुका है, यहाँ पे लिखा हुआ है इफ द प्रोडक्ट ऑफ n मैट्रिसेस और मैट्रिक्स दिया हुआ है 1101, उसका मल्टीप्लाई हुआ है फिर 1201, फिर मल्टीप्लाई हुआ 1301, इस तरीके से ये सीरीज 1 से 1n 0n तक गई है। इसका रिजल्टेंट जो आता है वो 137801 आता है। ऑप्शन दिया हुआ है, हमको फाइंड आउट करना है n की वैल्यू क्या है, ठीक है। आइए स्टार्ट करते हैं। तो हम क्या कर रहे हैं, पहला दो को हम पहले मल्टीप्लाई करके चेक आउट करते हैं हम कहां तक पहुंच पा रहे हैं। तो इनका मल्टीप्लाई करिए, पहला रो पहला कॉलम तो आपको मिलेगा 1031, ठीक है। फिर आगे आप सीरीज लिख सकते हैं आपके क्लियरिंग के लिए 1301, इस तरीके से आप बढ़ा सकते हैं 1401, इस तरीके से आप सीरीज बढ़ा सकते हैं 1501, इस तरीके से। और आप इसको 1 and 0 1 equals to 137801। अब इनका फिर से मल्टीप्लाई करिए, देखिए क्या हो रहा है। फिर वही प्रोसेस है, पहला रो पहला कॉलम, पहला रो दूसरा कॉलम, एक एलिमेंट आ जाएगा पूरा ऐसे रो वाइज में। तो 1 0 और 6 1 मल्टीप्लाई करेंगे तो आप ये आ जाएगा बेसिक। मैं होप करता हूँ आप लोगों को बेसिक मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस आते होंगे, अगर वो नहीं आएंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगा, एक बार आप जरूर उसको पढ़ लीजिए। फिर उसके बाद आता है 1401 और फिर उसके बाद आता है 1501 और इस तरीके से ये 1n01 और इसका रिजल्ट स्टिल 1378 equals to 0, sorry 1 upon मतलब second row में है 01। फिर इसको आप multiply करिए, खाली check करने के लिए मैं ऐसा कर रहा हूँ और कोई मेरा motto नहीं है इसके पीछे। तो आप इसको पहला row पहला column ऐसे वाला trick जो है simple, ये हो जाएगा 10 और यहाँ पे हो जाएगा 1। अब मैं थोड़ा जल्दी करता हूँ, बुक करता हूँ, आपको basic understanding तो हो ही गई होगी इसकी। ये 137801 एक बार और इन दोनों का मल्टीप्लाई करिए, एक बार और करेंगे तो बहुत क्लियर हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 1, या नहीं करना चाहते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग सीरीज जस्ट कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे इन दोनों का मल्टीप्लाई किए तो ये आ गया, इसका देख रहे हैं इन दोनों मैट्रिसेस में और इसके रिजल्टेंट में क्या आ रहा है अंतर। तो आप देख सकते हैं 101 ये तो कॉमन है, बस यहाँ पे 1 और 2 का एडिशन आ जा रहा है 3, फिर अगले वाले उसमें ऐड कर रहे हैं तो अगले में एडिशन आ जा रहा है 6, मतलब 3 और 3 ऐड करके 6 दे रहा है। अगले में देखिए आप 6 और 4 को ऐड करके 10 दे रहा है। तो आप जज कर सकते हैं कि आगे में क्या देगा, आगे में ये देगा 1, 10 और 5 को ऐड करके ये 15 दे देगा, फिर 01, ऐसे ही रेस्पेक्टिवली हमारी सीरीज आगे बढ़ती रहेगी और मल्टीप्लाई होता रहेगा और कभी खत्म होगा हो जाएगा, खत्म हो जाएगा।
137801। आप इसको देखिए, अब हम लोग को चेकआउट कर रहे हैं कि क्या कॉमन वेरिएशन हो रहा है। आप देख सकते हैं 1 के बाद 3 हुआ, फिर 6 हुआ, फिर 10 हुआ और 15 हुआ। ये वेरिएशन पॉइंट आउट कर रहे हैं। 1 हुआ पहले 1 का, फिर 3 हुआ, फिर 6 हुआ, फिर 10 हुआ, फिर 15 हुआ। इस तरीके से ये हो रहा है और ये इक्वल्स टू होगा। अभी देखेंगे हम कहां तक जा रहा है। अभी इनके कितने डिफरेंस देखेंगे, इनके इनके बीच में डिफरेंस कितना है, इनके इनके बीच कितना डिफरेंस है। इस तरीके से हम डिफरेंस पॉइंट टेस्ट करेंगे। अब इनका इनका माइनस कितना हो जाएगा, 2। इनका इनका माइनस कितना हो जाएगा, 3। इनका इनका माइनस कितना हो जाएगा, 4। इनका इनका माइनस कितना हो जाएगा, 5। तो ये आप देख सकते हैं 2, 3, 4, 5 करके n टाइम्स तक ये डिफरेंस लेके जाएगा। तो आप ऐसे प्रेडिक्ट कर सकते हैं, ये एक एपी सीरीज है जिसमें कॉमन डिफरेंस 1 है, फर्स्ट टर्म a है, लास्ट टर्म m है। आप ऐसे कर सकते हैं। तो आप इसको स्टार्ट ऐसे कर सकते हैं एपी सीरीज वाले फॉर्मूले से कि आपको ये सम मिल रहा है। एक्चुअली हमको ये सम देने जाएगा। आप ऐसे सम ही करेंगे ना, 3 और 6 को ऐड करके तो 6 आया था। तो आप इसको करेंगे तो ऐसे कर सकते हैं, 3, 4, 5। इस तरीके से आप n इज इक्वल टू, आपका रिजल्टेंट कितना आना चाहिए, 3, 7, 8 आना चाहिए। इसको सॉल्व करिए, जी भी है ए भी क्वेश्चन है। n by 2, 2a plus n minus 1 into d, और इसको 3, 7, 8 के बराबर कर सकते हैं आप। फिर n की वैल्यू यहाँ पे क्या है, पता नहीं है, तो वही तो फाइंड आउट करना है। तो क्या करेंगे इसमें, फिर यहाँ पे a की वैल्यू कितनी है, पहला टर्म हमारा है 2, एक टर्म मैंने छोड़ दिया है, सॉरी, यहाँ पे ये डिफरेंस जो काउंट हुआ है, ये 1, एक्चुअली मैंने बताना भूल गया, ये 1 प्लस यहाँ पे ऐड कर सकते हैं आप। फर्स्ट टर्म इसका आ जाएगा 2 इंटू 1, तो 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा प्लस n माइनस 1, और ये कॉमन डिफरेंस आप देख सकते हैं 1 का आ रहा है, तो इसको एज इट इज रख सकते हैं, 3, 7, 8। इसको सॉल्व करिए तो ये हो जाएगा n प्लस n स्क्वायर माइनस n अपॉन 2 इज इक्वल्स टू 3, 7, 8। इसको सॉल्व करिए, ये हो जाएगा n स्क्वायर प्लस n माइनस 7, 5, 6। ठीक है, अब इसको फिर तोड़ सकते हैं। इसको n स्क्वायर प्लस 28n माइनस 27n माइनस 7, 5, 6। ये क्वेश्चन थोड़ा है बड़ा, लेकिन मैं प्रयास किया हूँ इसको आपको समझा सकूं, इसलिए थोड़ा सा इलेबोरेट करने के चक्कर में ये ज्यादा ही बड़ा हो गया। आप इसको कॉमन लीजिएगा तो एक फैक्टर आएगा n माइनस 28 करके, और एक आएगा n, ये प्लस करके आएगा, और n माइनस 27 करके आएगा। तो इसको आप देख सकते हैं n की वैल्यू आ गई 27, क्योंकि हम नेगेटिव वैल्यू नहीं स्वीकार कर सकते, तो इसका 27 इज द करेक्ट आंसर। सेकंड, आप देख सकते हैं यहाँ पर ये पांचवा जो क्वेश्चन हमारे पास आया है वो एकदम बेसिक क्वेश्चन है डिटरमिनेंट में। इसमें d की वैल्यू दी हुई है, समथिंग फॉर ऑल वैल्यू ऑफ x एंड y इक्वल्स टू 0, देन d इज डिविजिबल बाय आइदर x और नॉर y, इज डिविजिबल बाय बोथ x एंड y, इज डिविजिबल बाय x बट नॉट डिविजिबल बाय y, इज डिविजिबल बाय y बट नॉट डिविजिबल बाय x। तो लेट स्टार्ट। तो d हमारे पास जो डिटरमिनेंट है इसको सॉल्व करना पड़ेगा। यहाँ पे ये जो मॉड आता है मैट्रिक्स के बगल में किनारे किनारे साइड पे, ये बताता है इसका डिटरमिनेंट 1 प्लस x 1 1 1 1 प्लस y। इसको आप सॉल्व करिएगा तो ये हो जाएगा 1 प्लस x 1 प्लस y माइनस 1 1 प्लस y माइनस 1 प्लस 1 1 प्लस 1 प्लस x, ये हो जाएगा, सॉरी ये माइनस आएगा, ये माइनस आएगा इसमें,
जो बेसिक रूल होता है डिटरमिनेंट्स का वही इसमें लगा हुआ था, व्हाट केमिकल रॉकेट साइंस नहीं है, तो सिंपल है। अब इसको सॉल्व करिए, ये हो जाएगा 1 प्लस वाई प्लस एक्स वाई माइनस 1 माइनस वाई प्लस 1 प्लस 1 माइनस 1 माइनस एक्स। तो आप देख सकते हैं प्लस 1 माइनस 1 खत्म, माइनस 1 प्लस 1 खत्म, और यहाँ पे आप देख सकते हैं एक वन मेरा नहीं गायब हो रहा है, चेक कर लेता हूँ। ये x यहाँ से खत्म हो जा रहा है, चार टर्म इसका ये 1 मैंने एक्स्ट्रा लिख दिया है, इस वजह से सारी गड़बड़ी हो रही है। अब क्लियर है बिल्कुल, प्लस y माइनस y खत्म, हमारा जो रिजल्ट बचा है वो है xy। तो आप xy को देख सकते हैं कि xy क्या है, xy x से भी डिविजिबल है और y से भी डिविजिबल है, तो इसका आंसर जो होगा इज डिविजिबल बाय बोथ x एंड y। ये छठा क्वेश्चन जो है वो आप देख सकते हैं, इसमें लिमिट x टेंड्स टू 0 1 प्लस x होल पावर कोसेक x है, और हमको क्या करना है इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो आइए कैसे फाइंड कर सकते हैं, चेक आउट करते हैं। आप यहां पर जब x इसको 0 पुट करेगा तो ये 1 और यहां 0 पुट करेगा तो इनफिनिटी, तो 1 पावर इनफिनिटी का फॉर्म है, मतलब एक क्लियर इंस्ट्रक्शन मिल चुका है कि ये इंडिटरमिनेट फॉर्म है। इसको इजी बनाने के लिए हम इसको ऐसे स्टार्ट कर सकते हैं, लेट हम मेन फंक्शन को देख लेते हैं, y = 1 + x cosec x, हम दोनों तरफ log ले लेंगे, log, तो log y equals to cosec x log 1 plus x, ठीक है। अभी आप क्या करेंगे, इसको divide form मिला दीजिए, तो ये हो जाएगा log 1 plus x cosec x का उल्टा sin कर सकते हैं, तो ये नीचे चला जाएगा। अब अगर यहाँ पे आप 0 put करते हैं, 0 यहाँ put करिए, 0 यहाँ put करिए, इंफिनिटी बाय इंफिनिटी फॉर्म है, 0 बाय इंफिनिटी, मतलब एक तरीके से इंडिटरमिनेट फॉर्म है। यहां पर हम लगातार रूल लगा सकते हैं, एल हॉस्पिटल जिसको बहुत लोग बोलते हैं, एल हॉस्पिटल रूल, तो लगातार रूल लगाने जा रहे हैं। इसमें होता क्या है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को डिफरेंशिएट करते हैं, और तब तक करते हैं जब तक कोई सेटिस्फैक्टरी वैल्यू ना मिल जाए, और अगर वैल्यू नहीं मिलती है तो लास्ट में हो सकता है उसका आंसर इंफिनिटी ही आए या 0 ही आए, कुछ भी हो, वो तो रिजल्ट के ऊपर डिपेंड करता है। ये पहले इसको डिफरेंशिएट करते हैं, तो इसको डिफरेंशिएट करिएगा तो log of 1 plus x को डिफरेंशिएट करिएगा तो 1 upon 1 plus x आएगा, इसको डिफरेंशिएट करिएगा तो cosec x आएगा, इसको सॉल्व करिएगा तो अगर आप यहां पे अभी हमारा 0 पे डिमांड है तो 0 पुट करिएगा तो 1 upon 0 cos of 0 दैट इज 1, तो मतलब 1 आ रहा है। तो इसका कहने का मतलब क्या हुआ कि log y की वैल्यू 1 आ गई, log y की वैल्यू 1 आ गई, इसे आप कह सकते हैं y की वैल्यू e पावर में दैट इज e आ गया।